हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भक्ति में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपका बुध कमजोर होगा तो आप पर मुसीबतें बरस सकती हैं। जानिए किस राशि पर इसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों, बुध ग्रह को शांत करने के लिए हम आपको आज कुछ उपाय बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे बुध ग्रह के लक्षण क्या हैं। यदि बुध दोष से निजात पाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में जानना होगा। दोस्तों, बुध से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे। यदि बुध ग्रह आपका कमजोर होता है तो आपको बोलने सुनने से लेकर आपके खूबसूरत दिखने पर भी इसका असर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आपकी जुबान, आपका बर्ताव, आपका दिमाग और आपकी खूबसूरती का कारक ग्रह है बुध। कुंडली में बुध की स्थिति तय करती है कि आप कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और आपका व्यक्तित्व और बुद्धि कैसी है। बुध का महत्व और विशेषताएं जानते हैं। दोस्तों, बुध ग्रह में सबसे सुकुमार और सुंदर ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में बुध को युवराज ग्रह कहा जाता है। कन्या और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इसका तत्व पृथ्वी है। बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य और सुगंध का कारक होता है। कान, नाक, गले और संचार से भी बुध का संबंध है। बुध बुद्धि तेज करता है। गणितीय और आर्थिक मामलों में कामयाबी दिलाता है। आपको यदि लगता है कि आपके सोचने और समझने की शक्ति कमजोर है और कोई भी फैसला लेने में आपको वक्त लगता है और आपका ध्यान भी बार बार भटकता है, यानी कि आप एकाग्र नहीं रह पाते, इसका मतलब है कि आपका बुध कमजोर है। बुध कमजोर हो तो इंसान अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। ऐसे इंसान को कोई भी चीज बहुत ही देर से समझ में आती है और जब तक कि उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है, वह अक्सर ही मुसीबतों का सामना करता है और दुविधा में फंसा रहता है। बुध कमजोर हो तो इंसान ठीक से बोल नहीं पाता, कभी कभी वो हकलाता भी है। दोस्तों, बुध से बुद्धि, वाणी और एकाग्रता की समस्या होती है। आइए जानते हैं दोस्तों इनके उपाय। रोज सुबह तुलसी के पत्तों का सेवन करें। इसके बाद 108 बार ओम आयम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र माँ सरस्वती जी का है। हर बुधवार को गणेश जी को दूबा चढ़ाएं और इस दूबा को अपने पास रखें। बुध के कारण त्वचा की समस्या। कमजोर बुध कभी कभी त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी पैदा करता है। कमजोर बुध से एलर्जी, दाने और खुजली की समस्या उत्पन्न होती है। सूर्य का प्रभाव हो तो त्वचा पर लाल दाग धब्बे पड़ जाते हैं। मंगल का भी प्रभाव हो तो त्वचा झुलस जाती है और राहु का योग हो तो विचित्र तरह की त्वचा की समस्या होती है। दोस्तों, बुध के कारण त्वचा की समस्या के उपाय बता रहे हैं हम आपको। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी और सलाद का सेवन करें, मिर्ची का सेवन, तेल का सेवन कम करें, प्रभावित जगह पर नारियल और कपूर तेल मिक्स करके लगाएं। अगर त्वचा की समस्या ज्यादा हो तो एक ओनेक्स पहन लें। बुध से कान, नाक और गले की समस्या भी दोस्तों हो सकती है। यदि बुध बहुत कमजोर हो तो सुनने और बोलने में दोस्तों दिक्कत होती है। कभी कभी गला खराब हो जाता है या फिर लगातार ही खराब रहता है। सर्दी जुकाम की समस्या होती है और किसी तरह की गंध से भी एलर्जी हो जाती है। आइए इसके उपाय जानते हैं। रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें या मन में दोहराएं या फिर इसे आप सुन भी सकते हैं। दोस्तों, चांदी के चौकोर टुकड़े पर एम लिख कर गले में पहन लें। ज्यादा से ज्यादा हरे कपड़े पहनें और हरी वस्तुओं का प्रयोग करें। रोज सुबह स्नान के बाद पीला चंदन माथे, कंठ और सीने पर लगा लें। दोस्तों, एक मंत्र और है जिसका जाप करके आप अपने बुध ग्रह को अच्छा बना सकते हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। हरे रंग की देव प्रतिमा खरीदकर घर पर लगाएं। खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग करें, लेकिन ज्यादा ना करें, नहीं तो ये नुकसानदायक भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो थे बुध के उपाय और समस्याएं। इसके अलावा भी दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ऐसे भी उपाय हैं जो
अशुभ स्थिति में बैठे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। दोस्तों, बुध ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को माँ दुर्गा की आराधना करना भी शेष कर होता है, यह उनके लिए खास लाभकारी होगा। जिस व्यक्ति को बुध से संबंधित समस्या है, वह माँ दुर्गा के नवग्रह मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय नमः मंत्र का 11 बार प्रतिदिन जाप करें और इस मंत्र की संख्या को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा। देवी दुर्गा के सामने घर में अखंड दिया जलाने से इस दोष का प्रभाव कम होता है। बुध से परेशान व्यक्ति को सोने के आभूषण पहनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हरे रंग के कपड़े और वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध दोष है तो वह खाली बर्तनों को कभी भी ढककर ना रखे। घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाए, घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाए। बुध दोष से छुटकारा पाने के लिए 100 ग्राम चावल में चने की दाल बहते नदी या जल में बहा दें। तो दोस्तों, हमने आपको बताए बुध ग्रह के प्रभाव, उपाय और बुध ग्रह का क्या महत्व है। पुनः प्रस्तुत होंगे अन्य ग्रह की जानकारी के साथ। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।